भागलपुर में एक युवती को उसके ममेरे भाई ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और प्रेम विवाह कर जब दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो युवक ने उस महिला को घर से बेदखल कर वापस अपने मायके भेज दिया। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 5 वर्षों से एक महिला अपने ससुराल वालों की प्रताड़न झेल रही है। उक्त महिला का कहना है उसने अपने ममेरे भाई के साथ प्रेम विवाह रचाया था। शादी के एक साल पश्चात पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे घर से चले जाने को कहा। पीड़ित महिला ने अपनी पहचान सुल्तानगंज के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद नसीब अंसारी की 25 वर्षीय पुत्री नेहा खातून बताया है। मामले को लेकर पीड़ित युवती का कहना है कि 6 वर्ष पूर्व उसे बिहपुर निवासी मोहम्मद मुजीब उर रहमान के 34 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाज के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों रिश्ते में फुफेरे भाई बहन लगते हैं और दोनों ने अपने अपने परिजनों को शादी की इच्छा जाहिर की। हालांकि दोनों परिवार के लोग शादी को लेकर राजामंदी देने को तैयार नहीं थे, जबकि बाद में दोनों ने अपनी मनमर्जी से निकाह कर लिया। प्रीता ने बताया कि शादी के 1 वर्ष पूर्व ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। जब वह 3 माह की गर्भवती थी, दहेज नहीं दे पाने पर उसके साथ बेरहमी से पिटाई भी करने लगे। महिला ने अपने जेठ मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद खुर्शीद देवर, गुलजार सास, अनबरी खातून पर उसके साथ गले में फंदा डालकर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता नेहा अपने माता पिता के घर इस्लाम नगर चली गई। उसके पिता ने बताया कि वह टोटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं और ससुराल वालों द्वारा उनकी बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने से वह काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद वह अपनी बेटी और उसके 5 वर्षीय पुत्र का पालन करते हैं, जबकि उन्होंने नेहा के ससुराल वालों की हर मांग पूरी करने को तैयार है। लेकिन यह है कि कहीं ससुराल वाले पैसे दे देने के बावजूद कहीं उनकी बेटी की हत्या ना कर दे। हुआ है क्या घटना हुई है और किस लिए यहाँ आई है? हम आए, मेरा शादी को 7 साल हो गया, 6-7 साल, और 5 साल से हम अपने मायके में रह रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और हमें पति, सास, ससुर, जितने भी मतलब भैंसुर सब मिलके, देवर लोग सब मिलके मारपीट करते हैं और हमें घर से रहने भी नहीं दिया जाता और निकाला जाता है, भगा देती है रहने के लिए अगर जाते हैं भी तो। कब से ये प्रताड़ना झेल रही हैं? हम 5 साल से झेल रहे हैं। 5 साल से? हाँ। ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? ससुराल वाले कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहने देंगे और पैसा कुछ डिमांड करता है, क्योंकि शादी मेरा मैरिज हुआ है इसीलिए दहेज के लिए भी सास ससुर भी बोलते हैं कि पैसा लाओ, भैंसुर भी बोलता है और लड़का को यही कान भरते रहता है यही सब के विषय में। शादी कब हुई थी? 2016 में। 2016 में जी। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज ही। किस लड़के से हुई तुम्हारी शादी? क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। कहाँ का रहने वाला है? बीपुर, थाना बीपुर है, ग्राम सौरी। इस पर शहबाज का आपके पति का क्या कहना है जो प्रताड़ित किया जा रहा है आपको? पति क्या कह रहे हैं? वो मार पीट करते हैं और मतलब धमकी भी, और एक बात और है कि धमकी शादी ब्याह का भी करने का देता है वो कि हम शादी दूसरा कर लेंगे ये वो। यानी पति भी घर वालों के साथ साथ ही मिल गया हुआ है। अच्छा, अब आप कहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और साथ में मतलब रहे, अच्छे से रखे और मेंटेनेंस दे। मेरा एक बच्चा भी है उसको देखे। पति के साथ रहना चाहती हैं? हाँ, अगर सही ढंग से रखे वो और खाना खर्चा मार पीट ना करे तो हम रहना चाहते हैं। आज कहाँ आई? जी हाँ, SSP के पास।
अच्छा, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? बोला गया है कि मतलब FIR करवा करेंगे। पुलिस इसमें क्या सहयोग कर रही है? पुलिस सुनवाई कर रही है? थाना नहीं, कल नहीं किया, मतलब वहाँ जब आए तो वो लोग भी मेरा कुछ नहीं सुना। क्या बोलता है थाना? थाना बोला कि क्या बोला नहीं बोला, लड़का को लड़का से बात हुआ होगा तो मतलब बोला कि तुम जाओ, सर जो बोल रहे हैं तुमको बुला रहे हैं, ऐसे हम बात किए हैं, लड़का दिल्ली में, तुम जाओ ससुराल जाओ। उसके घर से कोई लेने भी नहीं आ रहा है, फिर भी पति अभी दिल्ली में रहता है। हाँ, वो बोले प्रशासन बोले मतलब थाना से। मेरा नाम नेहा खातून, सुल्तानगंज इस्लाम नगर ग्राम। ससुराल कहाँ है? ससुराल बीपुर सौरी। समस्या है सर कि मेरी बच्ची है नेहा खातून, इसके ये मेरे भांजा के साथ ही लव मैरिज किया, तो उसको भी मैंने बर्दाश्त किया, चलो जब कर लिया है बच्चा गलती किया तो अच्छा से रहे, तो वो खुशी से किया तो दोनों खुश रहे, हम इसको नज़रअंदाज कर दिए, बोले ठीक है तुम दोनों बाबू अच्छे से रहो खाओ। तो देखें सर, ये 6 महीना के बाद इसको ले कर बाहर चला गया था, कहीं भाग गया था, वहाँ से ही लोग जब लौटे 6-7 महीना के बाद तो इनको मारा पीटा, तो बच्ची खुद मेरे घर अकेली आई तो हम अपना घर चढ़ाए, मेरा बच्चा है तो ज़रूर चढ़ाएंगे, तो चढ़ाए उसके बाद रखने लगे, बाल बच्चा भी यहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ, उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा के इनको फिर भेजे और उसको भी कि ले जाओ फिर खिलाओ, तुम्हारा परिवार जहाँ रखो वहाँ लेके गया, उसके बाद इसको फिर प्रताड़ना सब मिलके शुरू कर दिया कि इसको ऐसे ऐसे हम मारकूट, इसका बाप पैसा देगा ना तब तुमको रहने देंगे, लड़का भी माँ बाप भाई के कहने पर सब घुल मिल गया, और जैसे जैसे उसका गार्जियन करता है वैसे वैसे लड़का वहाँ से हमको गाली मोबाइल पे चैलेंज करता है, गंदा गंदा बात बोलता है और बोलता है बेटी को ऐसे तरपाएंगे, कुछ नहीं देंगे, ना हम तलाक देंगे ना हम खाना खर्चा देंगे, तरपाएंगे और ऐसे रहेगी। अब क्या आपकी बेटी को साथ में नहीं रखना चाहता है क्या? वो रखना उसका ना मर्जी, वो अभी जब पढ़ता है कुछ दोस्त, वो बोलता है मुँह से मौखिक में कि हम उसको रखेंगे, हम कहाँ छोड़ते हैं सर, बाद में फ़ोन हमको करता है कि तुम हमको ऐसा सोचते हो क्या कि हम फंस जाएंगे, ऐसे रहेंगे, तो हम बोलते हैं आओ बाबू इसको कमाओ खिलाओ घर पर रखो ले जा आराम से, वो भी नहीं, जब बहन को बहनों को। कितने साल से आपकी बेटी रह रही है? मेरे यहाँ 5 साल से हम इसको खिला रहे हैं, बच्चे जितना बड़ा किए हैं, जितना भी देख रहे हैं बच्चा, इस बच्चे को 5 साल से हम इतना बड़ा किए। पति कुछ नहीं? पुलिस क्या सहयोग कर रही है? पुलिस जब थाना हम गए तो थाना बोलता है कि ये मामला वहाँ का है बीहपुर का, तुम बीहपुर या जाओ या नौगछिया जाओ, हम लोग यहाँ से जाएंगे पकड़ने, भाग जाएगा। तो सर हम लोग गरीब आदमी हैं तो हम कहाँ कहाँ नाचे फिरेंगे, हर जगह थाना से यही बात बोलते हैं, तो हम इसीलिए आए हर जगह चिट्ठी दे करके कल वाला तो आए यहाँ थाना महोदय को, थाना महोदय हमको बुलाए फ़ोन करके, हम गए बोला हाँ सर तो क्या चाहते हो, बोलिए जो उचित है सर इस पर कार्रवाई कीजिए, जब लेटर आया है तो बोलता है कि ऐसा ऐसा वहाँ करो यहाँ करो, ठीक है तुम हमको पूछ के बोलो, तो बोला लड़का तुमसे बात करता है नंबर है क्या? कहिए हाँ हम बात नहीं करते सर, गंदा गंदा बात करता है, उसका नंबर है, नंबर लिया, वो बात किया तो वो सब जो जो बोल रहे हैं, उसका भैंसूर का भी नंबर लिया, मंगा मेरे से दिए, उस सब से बात करके उसके बाद हमको फ़ोन किया, बोला कि लड़का तो दिल्ली में है, सब पता कर लिए हैं, कमा रहा है लड़का, लड़की को तुम जहाँ चाहेगा वहीं रखेगा, रहेगी क्यों नहीं रहेगी, तो हम बोला ठीक है सर आप ही हैं माए बाप, उनको सबके गार्जियन को बुला लीजिए सब परिवार को, तो एक बॉन्ड बना के ले जाइए, अगर हम कुछ दोषी हैं तो मेरा भी बॉन्ड बना लीजिए, तो बोलता है कि तुम्हारा हम परिवार है रे, तुम ही हमको सिखाएगा। आप इसमें कह रहे हैं ये बात कौन कह रहा था? आयो साहब फोन पे। हाँ हाँ सुल्तानगंज थाना, उनका सईद खान है। ये सारी बात आयो कर रहे जी, हमको रात पे फ़ोन किया कि तुम्हारी बेटी को फ़ोन लगाते हैं तो उठाता नहीं है, कहाँ कौन दुनिया में तुम्हारी बेटी रहता है रे, रात में फ़ोन भी करते हैं। हाँ रात में फ़ोन किया था 9:30-9:30 यही आसपास में, तो क्या चाहते हैं आप? क्या हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे का इंसाफ हो, जो उचित हो मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दे। क्या नाम?
अगला समझौता करने के लिए तैयार है क्या? अगला मुंह पे ऐसे किसी को बोलता है, लेकिन यहाँ आने से कोई नहीं आता है ना समझौता करने आता है। इसलिए मेरा आवेदन है, अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा उन सबको बुला करके यहाँ ला करके इसका कुछ जो उचित हो कर दे। मोहम्मद नसीम मंसूरी। क्या करते हैं? हम टोटो रिक्शा चलाते हैं।